इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गाड़ी के फ्रंट बम्पर पे नीचे की तरफ पेंट। ट्राई एरो का कोई प्लान नहीं है अभी, सिर्फ नीचे जो बॉटम लिप है, इस फ्रंट लिप, इसको हम तो करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, बम्पर ही खोलने वाले हैं। बम्पर क्यों खोलने वाले हैं सिर्फ बता देता हूँ आपको, रीज़न क्या है। करने को आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट टेपिंग वगैरह करके, पर दिक्कत ये है कि इन जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली नहीं होगा। तो काम कर ही रहे हैं तो क्यों परफेक्टली कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। पर बम्पर खोल के बढ़िया अच्छे तरीके से कर देंगे और ढंग से पेंट भी हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसके नीचे देखोगे आप तो ये बहुत लंबा पार्ट है, छोटा पार्ट नहीं है। तो पूरे पार्ट से करने पर ज़्यादा बेटर रहेगा। और तो प्लानिंग ये है कि इसको खोल के और फिर ये चीज़ पूरी की पूरी ढंग से, क्योंकि ये देखो आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, यहाँ पे गैप ही नहीं है। तो यहाँ पे आप पेंट स्प्रे करोगे तो जा ही नहीं सकता, मतलब ढंग से भी आप टेपिंग ढंग से प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे पेंट की कमी रह जाएगी। तो इसलिए प्रॉपरली करने के लिए बम्पर खोलते हैं। तो चलो बम्पर खोलते हैं। बम्पर अभी खुल चुका है प्रॉपर पूरा, ठीक है। बम्पर खोलने का पूरा वीडियो आपको देखना हो तो लिंक मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और अभी आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर, जो कि है हमारा स्टार फोर वे जिसको बोलते हैं। अभी नीचे की आपको दिख रही होंगी जो अपने ट्राई एरो की जो डिज़ाइन है, उसके भी अपने को बोल्ट वगैरह दिए हुए हैं, वो वहाँ पर खोला जा रहा है, ठीक है। तो उसके यहाँ पर टोटल कितने हैं बता दूंगा आपको मैं। बाकी इसके यहाँ पे बोल्ट्स ये इजीली विजिबल है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे भी, इस जगह पे भी। किधर की मेरी उंगली, ये रही, हाँ ये वाला, ठीक है, खोलने को मिल रहा है और इजीली हो भी जाएगा। तो बढ़िया साफ़ करके मस्त लगा देंगे। तो ये टोटल हमारे इसमें भी निकल चुके हैं, कितने निकले, एक दो तीन चार और ये पाँच स्क्रूज निकले हैं। उसके बाद में इसके नीचे देखना पड़ेगा कि हमको स्क्रूज़ हैं कि नहीं है। तो अब इसको पटक दिया टेढ़ा और ये वाले नीचे भी स्क्रू दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ पे, दो, बीच का सिर्फ एक ही खोलना है आपको। और वो खुलते ही खुलने के बाद में ये लॉक का ध्यान रखना है जो अपने को, ये टोटल छः हमारे पास स्क्रू हो गए। लॉक को खोलते हुए ध्यान रखना है, लॉक टूटना नहीं चाहिए। और लॉक के लिए हमने कर लिया इसको जादुई वाले मंत्र पे। तो ये लॉक खोलने के बाद में अपने आप ऊपर होने लग गया हल्का 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 सा, आपको पकड़े रखना पड़ेगा नहीं तो ये वापस लगने के चांसेस रहेंगे लॉक। यह लॉक भी खोलने उस साइड वाले भी ध्यान रखना, बाहर से कभी मत खोलना क्योंकि यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं हर चीज़ के अंदर। अगर बाहर से खींचोगे तो लॉक तो खुल जाएंगे पर आपके जो बोल्ट जहाँ पे इंस्टॉल बोल्ट ये वाले स्क्रूज लगे हुए, ये स्क्रू टूट जाएंगे, स्क्रू तो टूटेंगे नहीं, प्लास्टिक वाला पार्ट जरूर टूट जाएगा। तो सबसे पहले ग्रिल, इसके लॉक हटा चुके हैं हम, इसके लॉक आपको दिख रहे होंगे यहाँ बहुत सारे लॉक हैं, ऊपर के हटा दिए, फिर नीचे वाले हैं बहुत सारे, इसके ऊपर भी देख लो आपको दिख रहे होंगे नीचे की तरफ भरमार लाइन लगी हुई है। तो लॉक खोलने पड़ेंगे, इजीली खुल जाएंगे, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस सॉफ्ट से हैं, ज़्यादा पुश मत करना, ज़्यादा पुश करने पर टूटेंगे भी नहीं, सॉफ्ट हैं तो दिक्कत नहीं है। और नीचे वाले में आपको जो लिप वाला पार्ट है उसके अंदर सिर्फ दो लॉक हैं, हमने नीचे वाले स्क्रू खोल लिए हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर मिलते हैं हमको ये जो कितर के उंगली हुई है, ये वाले स्क्रूज हैं वो यहाँ पे मैंने रख दिए, टोटल 5 मिलते हैं। अब इसके लॉक भी खुल चुके हैं, तो अब ये वापस खींचेंगे इसको, ये आ चुके। तो ये वाला पार्ट इतना बड़ा है, इसको लोग सिर्फ हमको इतना सा आगे वाला पेंट करना होता है। तो ये देखो ये जगह है ना, ये प्रॉपरली पेंट हो जाएंगी अब और दिखने में एक नंबर काम हो जाएगा। थोड़ी सफाई भी कर देंगे इसकी बढ़िया साथ साथ में। इतने नट और इतने लॉक खोलने के बाद ये ऐसा हो गया, मुंह खुल गया, इसका मुंह खुल गया, खिलाओ इसके दांत काट देते हैं यहां पे, ये बड़ी चीज है। तो पेंट भी चलते हैं हमारी पेंट शॉप के अंदर जो कि है छत। चलो बम्पर की क्लीनिंग चल रही है, बम्पर के इस पार्ट की पेंट करने से पहले बढ़िया से इसको साफ करना है, जो कि हम हमेशा करते हैं पेंट जॉब करने से पहले, हर चीज़ को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने कॉलिंग का यूज़ किया है, अभी सनसेट हो रहा है, देखो आपका बढ़िया वाला चिड़िया बढ़िया उड़ रही है। अब ये देखो
इसको कितना भी क्लीन कर लो, मैंने बहुत क्लीन किया इसको, पर ये दाग जो है ना ये जा रहे ही नहीं है, ना ये फील होते हैं और ये पता नहीं क्या है, किसी तरीके से जा रहे नहीं। तो इसका किसी पास सोल्यूशन है तो यार बताओ, मैं बड़े दिन से परेशान हो रहा हूँ, सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा और टेंशन सी भी होने लगी। क्या थी टेंशन, मतलब लग रहा है क्या? मुक्के खाने, मुक्के मुक्का देना टाटा का, उसको टाटा का वाला मुक्का देना है। तो ये चमका के फिर मिलते हैं आपसे। हो चुकी है क्लीनिंग के बाद में आता है हमारा पेंट वाला स्टेज, और ये एरोसोल पेंट है सिल्वर का, 36 का नंबर है, 400 ml का ये है। हमने लोकल मार्केट से ऑनलाइन नहीं खरीदा, तो लिंक हमारे पास नहीं है, और फिर मैं अमेजोन वाले लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ठीक है, अब करते हैं पेंट का काम शुरू। तो पहले इसको एज ए प्राइमर यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्राइमर तो है नहीं। ये कंपनी का था, रियल लाइफ में पता है बहुत डिफरेंट दिखता है, अभी बहुत सही लग रहा है, जबकि कैमरा में इतना सही लग रहा नहीं है। कई बार कैमरा में वो चीज़ कैमरा जज नहीं कर पाता चीज़ों को, कि कितना रियल लाइफ में हमको दिखती है आंखों से। थोड़ा सा कैमरा चेंज करता हूँ। वाह, ये इससे बेटर लग रहा है। ये तेरी तो है, अलग ही कैमोफ्लेज डिज़ाइन होगी इस गाड़ी की। तो ऐसे ही कस्टम डिज़ाइन करवाने के लिए आप हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल सर्विस हाजिर है। तो इंस्टाग्राम पे जाके बोल दीजिए आप ऐसी डिज़ाइन चाहिए और कोई अनशन डिज़ाइन चाहिए, वो भी कर देंगे हम। आते हैं वापस से बैक टू वर्क। तो ये इस तरफ से हो चुका है, ये साइड की भी अपन को करना है, ताकि साइड में बिल्कुल कहीं पर भी दिखे ना गैप हमको। तो जब पेंट करते हो तो पेंट करते हैं ध्यान रखना कि आप सेम तरीके से करो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो लेफ्ट टू राइट जाओ, और राइट टू लेफ्ट जा रहे हो राइट टू लेफ्ट। अप डाउन वाला नहीं करो तो बेटर है, उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत होती है और प्रॉपरली हो नहीं पाता। तो अभी इसको हमने बढ़िया टांग दिया है, सेकेंड ईयर का टाइम। नाक वगैरह पर कुछ ना कुछ लगा के रखना, मास्क वगैरह, वरना सांस लेना दुखर हो जाएगा, मेरा हाथ आएगा। तो ये सूख रहा है अभी। अब आपको जैसे बोला कि ये इसको हमने डिलीट, पहले कन्फ्यूजन था इसके अंदर थोड़ा सा क्या करें क्या नहीं करें, तो अभी वापस से हटा दिया इसको और ऐड कर लिया हमने ये फॉगलम पे कवर पे जो पैनो ब्लैक फिनिश होता है, इसको कर देंगे हम सिल्वर। तो उसको खोल खा लिया अभी, इसके पीछे से अगर देखते हैं हम पूरा खोलने के बाद में, तो हमको स्क्रूज मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल 4 स्क्रू हैं, और 4 स्क्रू के बाद में आपको यहाँ पे लॉक मिलेंगे छोटे छोटे। कितने टोटल? 3 लॉक। टोटल 3 लॉक हैं, ये 3 लॉक निकालने बाद में निकल जाएगा ये। तो ये जान लगा के निकल चुका है, टोटल 3 लॉक थे इसके, ध्यान रखना 1, 2 और इतनी चला 3। और 2 स्क्रू थे, तो 2 स्क्रू खोलने हमको और 3 लॉक खोलने पे ये निकल जाएगा। और ये माल निकल चुका है, अब सेकंड की बारी है, तो एक देख ही लिया तो सेकंड भी खुल ही जाएगा वैसे ही। तो सूरज तो गया है डूब, अब करेंगे हम बचा हुआ काम को कम्प्लीट। तो उसको हमने बढ़िया से कॉलिंग से पहुँच लिया है, और कोई भी फिंगरप्रिंट वगैरह भी हमने नहीं छोड़ा है, तो बढ़िया ढंग से क्लीन हो गया है। अब बात है बारी है हमारे पेंट की। अरे वो मासा रखा लगाऊंगा, ये मासा को लगाने के अंदर भी जरा पूरा रख। तो अभी पेंट हो चुका है डन, अब इनको करते हैं गाड़ी में इंस्टॉल। पोलर टकरा वहाँ पे, उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। दिन में वो भी दिन टाइम में, रात का भी दिखाएंगे और दिन का भी दिखाएंगे। सारा काम खत्म हो चुका है, तो अब देख लो गाड़ी का लुक कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में जाके किस तरीके से लग रही है वो गाड़ी, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे कैसी लग रही है। तो अभी हाल पहले जैसे गाड़ी का फ्रंट थोड़ा सा स्ट्रेट लगता था सामने से, इसको करने के बाद में गाड़ी नीचे से आगे लगने लग गई हल्की सी, तो लुक है वो थोड़ा सा एरोडायनेमिक और वाइड लगने लग गया है, वाइड इनकी वजह से ज़्यादा लगने लग गया जो साइड के अंदर हमने किए ना सी वाले। तो
इनकी वजह से ज़्यादा वाइड लगने लग गया और दिखने में और बेटर लुक हो गया गाड़ी का, टॉप मॉडल वाले जैसे हो ही गया और साथ में अच्छा लुक हो गया, मतलब तो एक अच्छा मॉडिफिकेशन हो गया। आपको भी करना हो तो आप कर सकते हैं, आपके पास वीडियो है ही कैसे कैसे करना है, सब बताई दी हमने इसके अंदर। बात आती है फ्लैशर की, तो फ्लैशर की अगर बात करते हैं तो फ्लैशर को मैं नॉर्मली DRL की तरह ही काम में लेता हूँ। और फ्लैशर जो लगाया वो बेसिकली इसे लगाया मैंने कि कभी बारिश के टाइम पर या फिर फॉग के टाइम पर इसको हम क्या बोलते हैं ब्लिंक वाले पे रखें, मतलब फ्लैशर का यूज़ कर लें उस टाइम पे। तो बाकी इसको मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करता, नीचे लगाने का रीज़न ये कि किसी आँखों में ना पड़े, तो इररिस्पॉन्सिबल वाली चीज़ नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा आँखों में पड़ रही, इससे ज़्यादा तो अपने को DRL पड़ती है, तो ये रीज़न था इसको नीचे लगाने का। और ये है दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। कस्टम पेंट करवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा घर का एड्रेस है। अगर ऐसे ही कस्टम पेंट आपको भी करवा, अगर ऐसे ही कस्टम पेंट आपको करवाना हो तो लिंक जो हम लिंक दे दूँगा, हैंडल लिंक इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप तो ऐसा ही अगर आपको डिज़ाइन करवानी है, डिजाइनिंग अपनी गाड़ी के लिए करवानी हो तो इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे क्या है ध्यान रखना है ये चीज़ की कैमरा मैन मोटा आदमी है तो ये